CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम चांद बीबी। भारत के इतिहास में वीरांगनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसी ही एक वीरांगना थी चांद बीबी। पंद्रहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पतन के बाद बहमनी साम्राज्य 5 हिस्सों में बट गया था, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और पीदर, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बीजापुर के हुक्मरान इस्माइल आदिल शाह की बहन की शादी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1550 में उनके घर जन्म लिया एक प्यारी सी बेटी ने। चांद सी खूबसूरत होने के कारण उसका नाम रखा गया चांद सुल्ताना, जो आगे चलकर चांद बीबी के नाम से मशहूर हुई। चांद बीबी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, निजाम शाह की और भी लाडली होती जा रही थी। आज हुसैन निजाम शाह अपनी बेटी चांद बीबी को देखकर कुछ हैरान हैं। इससे बच के दिखाइए। कितनी खूबसूरत है हमारी चांद बीबी और कितनी खूबसूरती से तलवारबाजी कर रही है। बचपन से ही तलवारबाजी करते देख रहा हूं। आज तो लगता है किसी बड़े से बड़े जंगबाज को भी हरा सकती है। लगता है अपने अब्बू को हमेशा जंग पर जाते देख उनका हाथ बटाने के लिए सहेली के संग तलवारों से खेल रही हैं। अब्बा, अब्बा हुजूर, अरे आप कब आए? आदाब, आदाब आलीजा। इजाजत दीजिए। शाबाश। और हाँ चांद बीबी, कल आपको हराने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। जरूर जरूर। हमारे नूरे नजर किसी जंग की तैयारी में है क्या? नहीं नहीं अब्बा हुजूर, पर हम क्या भाईजान से किसी काम में कम है? आपसे एक बात पूछे? हाँ हाँ बेटी साहिबा, पूछिए। ये आसपास की रियासतों में कभी दोस्ती रहती है तो कभी दुश्मनी, सब मिलके प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते? बेटी साहिबा, आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा, फिर आप सबको समझाइएगा। वैसे भी सबकी जबान फौरन सीख लेती हैं आप, फिर चाहे अरबी हो या फारसी या फिर तुर्की। अब्बा हुजूर, हम मराठी और कन्नड़ भी सीख रहे हैं। नई नई जबानें सीखना हमें आसान और अच्छा लगता है। हम जानते हैं। अच्छा तो आपको सितार बजाना भी लगता है, और माशाल्लाह तस्वीर भी आप क्या खूब बनाती हैं। अब्बा हुजूर, हम भाईजान के साथ घुड़सवारी भी तो करते हैं। हमारी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी, हमें पूरा यकीन है। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बताऊं बेटी साहिबा, सियासत में क्या क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हम जानते हैं दिल्ली में अकबर की हुकूमत हो गई है।
और यही नहीं, बीजापुर में अली आदिल शाह अपने वालिद के इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा है। उसने खुद को मजबूत करने के लिए हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाँ? आदिल शाह ने अपनी बहन का आपके भाई मुर्तजा से निकाह का पैगाम भेजा है। इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम जानते हैं बेटी चांद, रिश्तेदारी से दोनों रियासतों के दरमियान अगर दोस्ती होती है तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या अब्बा हुजूर, आप साफ साफ बताइए ना, क्या हम आपकी परेशानी दूर करने का कोई सबब बन सकते हैं? क्या कहें बेटी चांद, आदिल शाह ने आपके साथ निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हम आपकी रजामंदी के बिना कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? हमारी रजामंदी? अब्बा हुजूर, आपको तो पता ही है कि हम हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। अब इसका रास्ता अगर बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह से निकाह करके निकलता है तो हमें मंजूर है। बेटी साहिबा, हम नहीं चाहते कि किसी भी दबाव में आप फैसला लें। इसमें दबाव कैसा अब्बा हुजूर, अपनी सरजमी की खातिर कुछ करने का हमें मौका तो मिला, ये तो हमारी खुशनसीबी है। मेरी प्यारी बेटी, हमें आप पर नाज है, नाज है आप पर। अब्बा हुजूर, आदिल शाह से निकाह के बाद चांद बीबी बीजापुर पहुंच गई। बीजापुर सल्तनत के कामकाज में आदिल शाह की मदद करने लगी। चांद बीबी की सूझबूझ और दरियादिली से बीजापुर की जनता बहुत खुश थी। चांद बीबी अपनी रियासत के लोगों से उन्हीं की जबान कन्नड़ में बात करती थी। आदिल शाह ने चांद बीबी की अकलमंदी से खुश होकर बीजापुर में चांद बीबी के नाम पर एक बावड़ी बनवाई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यह सुख चैन बहुत दिन तक कायम नहीं रह सका। यह सन 1580 की बात है। पड़ोसी रियासत बरार से दो जासूस औरतों के वेश में आए और अचानक उन्होंने धोखे से आदिल शाह पर हमला करके उन्हें मार दिया। उसके बाद पूरे राज्य में ऐलान कराया गया। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को ये इत्तला दी जाती है कि बीजापुर के तख्त पर सुल्तान आदिल शाह के भतीजे सुल्तान इब्राहिम को बैठाया जाएगा। हुकूमत की बागडोर अब उनके हाथ में आ गई है। अभी वो सिर्फ 9 साल के हैं, इसलिए उनके सब हुक्म, ऐलान, फरमान और रियाया के लिए काम उनकी निगेबान चांद बीबी की सलाह से ही किए जाएंगे। सुनो सुनो, खास ऐलान है। चांद बीबी ने रियासत की कमान बहुत अच्छी तरह संभाली। हमेशा की तरह एक दिन वो अपने वजीरों के साथ दरबार में सलाह मशवरा कर रही थी, मगर उस दिन बात कुछ खास ही थी। कोई ना कोई अच्छी खबर होगी आज। वजीर खजाना जी। हुजूर, बीजापुर के नए सुल्तान इब्राहिम की जानिब से अवाम को ये पैगाम भेजा जाए कि सूखा पड़ने पर या फसल खराब होने की वजह से उनका लगान माफ कर दिया जाएगा। जो हुक्म हुजूर साहिबा। अवाम को ये भी बताया जाए कि फौज को और मजबूत किया जाएगा। आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर साहिबा। वजीर आजम जी,
आपकी इस बारे में क्या राय है? हुजूर साहिबा, फौज तो मजबूत करनी ही है, साथ ही साथ हमें सब पड़ोसी रियासतों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश भी जारी रखनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा वजीर आजम, फजूल में जंग से जानोमाल की तबाही ही होती है। जी, हम किसी पर भी दौलत और ताकत बढ़ाने के लिए हमला नहीं करेंगे। जी बेहतर है। पर हाँ, अगर हमारी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो हम अपनी जान देकर भी अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे। चांद हुजूर की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब, कहिए सिपे सालार साहब, क्या खबर है? हुजूर, हुजूर बुरी खबर है। अल्लाह खैर? आपके भाई हुजूर मुर्तजा निजाम शाह ने अहमदनगर से बीजापुर पर हमला कर दिया है। क्या? यानी हमारे अमन के पैगाम ने भी हमारे भाईजान का दिल नहीं बदला? तो फिर हमारी फौज भी तैयार करो। जी हुजूर। अब हम खुद अपनी फौज के साथ मैदान में उतरेंगे। सरजमीन की हिफाजत के लिए अगर हमें अपने भाई से भी जंग करनी पड़े तो हम जंग करेंगे। चांद बीबी के नेतृत्व में सेना का हौसला और भी बढ़ गया। चांद बीबी की जीत हुई और उनकी वीरता दूर दूर तक मशहूर हो गई। बाहरी दुश्मनों को तो चांद बीबी ने हरा दिया, पर घर के दुश्मनों का क्या किया जाए? चारों सामंतों ने मौका देखते ही नन्हे इब्राहिम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और उधर अब्बू यानी हुसैन निजाम शाह के इंतकाल के बाद से अहमदनगर भी परेशानियों से घिरा रहने लगा। अहमदनगर के निजाम मुर्तजा को मुगल शहजादे मुराद ने मार डाला। अब ससुराल यानी बीजापुर और मायका यानी अहमदनगर दोनों रियासतों की जिम्मेदारी चांद बीबी पर आ गई थी। सन 1591 में मुगल सम्राट अकबर दक्कन की ओर बढ़ा। उसने चारों दक्कनी रियासतों को मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर विचार करने के लिए चांद बीबी ने अपने वजीरों को तलब किया। अपनी रियासत के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अकबर यूं ही हमारी रियासत को नहीं हड़प सकता। वजीर आजम जी, सुना है मुगल फौज नर्मदा के उस पार डेरा डाल चुकी है? जी हां हुजूर साहिबा, उनका इरादा पहले अहमदनगर पर हमला करने का ही है, क्योंकि वो जानते हैं यहां भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर हमारे दुश्मन ये भी जान लें कि हमारे रहते अहमदनगर के किले को कोई नहीं जीत सकता। इंशाल्लाह। अहमदनगर पर मुगलों ने हमला कर दिया। मुगल सैनिक सुरंगें खोदकर उनमें बारूद भर रहे थे। विस्फोटों से किले की बाहरी दीवार का एक हिस्सा गिर गया। तब वहां मोर्चा संभाला चांद बीबी ने। अकबर का सामना हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, उसकी फौज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम पूरी हिम्मत से और होशियारी से उसका सामना करेंगे। तो बढ़ चलो। रात हुई, लड़ाई बंद हो गई, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। मुन्नी, ये हरिया की मदद करो। हाँ, जल्दी करो। चल।
चांद बीवी ने रात ही रात में वो टूटी दीवार फिर से बनवा दी। अगली सुबह मुगल सैनिक खड़ी दीवार देखकर हैरान रह गए। उनके हौसले पस्त हो रहे थे। पूरे दिन लड़ाई चलती रही लेकिन मुगल सैनिक किले के पास भी नहीं पहुंच सके। चांद बीबी ने अहमदनगर किले का सफलतापूर्वक बचाव किया। बीजापुर की सुल्ताना चांद बीबी जिंदाबाद। बीजापुर की सुल्ताना चांद बीबी जिंदाबाद। अहमदनगर की सुल्ताना जिंदाबाद। अहमदनगर की सुल्ताना जिंदाबाद। अकबर चांद बीबी से हारने पर बौखला गया और उसने चालाकी से काम लिया। अपने एक दूत के हाथ अमन का पैगाम भेजा। चांद बीबी साहिबा को नाचीज का आदाब। आदाब? मुझे अमन के पैगाम के साथ भेजा गया है। हुँ? जी, अगर चांद बीबी मुगलों के आगे सर झुका लेती हैं, तो समझौता हो सकता है। घेराबंदी हटा ली जाएगी और आपके सब बंदी सिपाही भी छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी बात पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया। साहिर अली। जी हुकुम। इनको आराम का ले जाइए। इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो हुकुम चांद सुल्ताना हुजूर। चलिए। जी। वजीरे आजम। जी। हमारी फौज के सब सिपाही भूख से बेहाल हैं। हमसे उनका ये हाल देखा नहीं जाता। आप बजा फरमाती हैं हुजूर साहिबा। हमें मुगलों की बात माननी होगी, सिर्फ अभी के लिए, जब तक हम और ताकत इकट्ठी नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह, आपके दिल में सिपाहियों के लिए कितनी हमदर्दी है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं अभी सिपह सलार से कहकर उन तक ये पैगाम भिजवाता हूं कि चांद बीबी हुजूर ने मुगलों की शर्तों पर बातचीत करने का फैसला किया है। इस फैसले से ये अफवाह फैल गई कि चांद बीबी ने मुगलों से संधि कर ली है। नाराज सिपाहियों की एक बड़ी भीड़ ने गुस्से में आकर चांद बीबी की हत्या कर दी। चांद बीबी के जीवित रहने तक मुगल सेना अहमदनगर पर कब्जा नहीं कर सकी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहादुर स्त्री, एक राजकर्ता और एक योद्धा के रूप में चांद सुल्ताना को चांद बीबी के नाम से आज भी बहुत आदर और गर्व से याद किया जाता है। चांद बीबी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मीडिया समन्वय राजेश निमेश, भाषा परामर्श प्रोफेसर फारूक अंसारी, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, निर्माण परामर्श अजीत होरो, संगीत निर्देशन हरभजन सिंह, कलाकार अश्विनी वालिया, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, परवेज गौहर, सादिया रहमान, मुइनुल हसन, सुनील लोहिया, मेघा और माशिफा परवेज, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और शानू मुक्सीम, ध्वनि अंकन बटिलेंग लिंगडो, विकास सांगवान और मयंक कुमार, आलेख सुधापुरी, निर्माण आलेख वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।